नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है सलाम भेंकी और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाम भेंकी रेवती द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फिल्म है। फिल्म का निर्माण सूरज सिंह, श्रद्धा अग्रवाल ने क्रमशः अपने बैनर लिम्ब प्रोडक्शन और आर्टिक स्टूडियोज में माध्यम से किया है। मुख्य भूमिकाओं में काजोल और विशाल जठेवा अभिनीत। ये फिल्म एक माँ की उच्च कहानी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो उचेत मकुरल डिस्ट्रोजी से पीड़ित अपने बेटे को पूरी जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई। पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलम्बेन्नू सूरज के रूप में, कोलम्बेन्नू वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील प्रदेश के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पार्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनीत पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि ये फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लार्ज सुंदरवा पर आधारित है, जो कोलम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी। हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम भेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा किया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर टीम सीर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की पर्सनल अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करें
कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और अर्थ पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल सलाम बैंक की एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मुक्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निदर्शन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुलर डिस्पोटी DMG से पीड़ित है जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आकार उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नजर डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बैंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो संकेतिक भाषा में संवाद करते हैं, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को चुपका कर रहे अनाविज वमसराज ने उनकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बैंकी नुकसान है। बेशक जिस जिसशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बैंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजानाथ ने न सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा का है, जो देखते हैं अंतरदाया के कहानी लफीता शाही को भूमि की छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित जनहित जानबूझ कर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास जीने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष के देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अफरोखा
अरोरा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी वर्णास्वन इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संचालित किया गया और यह वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है। योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मित्र निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बिता विचारोत्तेजनक है। एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उस बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं, साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं, जहाँ वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है, उसके बारे में वास्तव में लिखा नहीं जा सकता, ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे आप संगत रूप से तोड़ कर बचता हुआ हो सकता है। मैं वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है, बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की राह में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। म्यूनिसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई, पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील प्रदेश के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव प्रसंदरवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, योशोपनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लार्ज सुंदरवा पर आधारित है जो कोलाम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम बैंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा चंद्रांश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ बैंकी की पुष्पवर्ष का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिशील पेशी अंध पतन के पहले अपनी आंगों को दान करने के लिए उन्हें उपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर
दुरुपयोग की समाधान और सही या गलत का सवाल सलाम बैंक की एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक निपुण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुलर डिस्पोटी डीएमजी से पीड़ित है जो तेजी से बिगाड़ते हैं। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके पास आकार उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जो बेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को उत्सुकता कर रहे अनाविच प्रमोश राज ने उनकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस शीलता के साथ रेवती ने कहानी की संगमता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियरों का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई है थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता की अंतरात्मा है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझ कर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास रहने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से साफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बात शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नम हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष के देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आहास के साथ भी हो सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलांग देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अफरोखा अरोरा और कथोर प्रमेश द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को
लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने हैं। योग या तो व्यंग्य के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता चरित्रजनक है। एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बेंकी से प्यार करते हैं साथ पे एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये अपनी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से छोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई। पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलम्बेन्नू सूरज को रूप में, कोलम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लार्ज सुंदरवा पर आधारित है जो कोलम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा 2021 में की गई थी जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट बुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी। हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम बैंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी 10 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा किया। कहानी एक युवा चंद्रांश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी के संघर्ष का अनुसरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिशील पेशी अंध पतन के पहले अपनी आंगों को दान करने के लिए उन्हें उपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बैंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है लेकिन रेवती के निदर्शन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुँचता अधिक
स्थापनी पूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुरल डिस्पोटी डीएमजी से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके पास आकार उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहना कुमारा विस्मय के उसे देखती हैं तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को आवश्यकता कर रहे अनाविज प्रमोद राज ने अपनी की अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि वो हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सदाना द्वारा एक मित्र निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट है। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता की अंतरात्मा के है, जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बेंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बेंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नम हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष के देखा जाना चाहिए। सलाम बेंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेम बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बेंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संकलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है। योग या तो बेंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बेंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता
आश्चर्यजनक है ये कि लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बेंकी से प्यार करते हैं साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में भी कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बतावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है। बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई। पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलम्बेन्नू सूरज को रूप में, कोलम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परदेश के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती सरदार के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि ये फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है जो कोलम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा 2021 में की गई थी जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी। हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम बेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा किया। कहानी एक युवा चंद्रांश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की संघर्ष का अनुसरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें उपयोगी बना देती है। उनकी माँ सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मृत होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों
किया जाता चाहिए। इस बार फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषादग्रस्तता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षुकता कर रहे अनाविज प्रमोश राज ने उनकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि वो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियरो का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता की अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बेंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बेंकी से प्रकाशराज की बातचीत से साफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नम हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बेंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही अपो दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुजित सलाम बेंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने हैं। योग या तो बेंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बेंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बिता विचारोत्तेजनक है, एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बेंकी से प्यार करते हैं, साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने
देखते हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कि कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता, ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से जोड़कर बतावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है, बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। म्यूनिसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई, पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ गढ़वा पर आधारित है जो कोलाम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट बुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम बैंकिंग पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा किया। कहानी एक युवा चंद्रांश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की होशनिवेश का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें उपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर रूढ़िवादियों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बैंक की एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और पवन परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बैंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की दिशा
व्यवस्था के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बैंक अपनी आवाज़ खो देते हैं तो संकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को उत्सुकता कर रहे अनाविज प्रमोद सराज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि वो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बैंकी नुकसान है। बेशक जिस दृढ़ता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बैंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट है। काजल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण, और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है, जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित रंगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से विकासराज की बातचीत से फाप करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आहास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और यह वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है। योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है, एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उस बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं, साथ में एक लाइव टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है, लेकिन जिसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सिल कहानी की तरह नहीं लगता है।
जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कि बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता, ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये अब की आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से छोड़कर बचतावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है, बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई, पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज को रूप में, कोलाम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील प्रदेश के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि ये फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सुंदरवा पर आधारित है जो कोलाम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम मेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, हिस्सों में बाद शेष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा चंद्रंश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की होशनुमा का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपनी आंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बैंक की एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है, दर्दनाक रूप से मुक्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और पवन परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बैंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुरल डिस्पोटी DMG से पीड़ित है जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नजर डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बैंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करते हैं, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती हैं तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को उत्सुकता कर रहे अनाविच प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे
ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बैंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बैंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुजाना द्वारा एक नित्य निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के हैं जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी ला फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाप करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नम हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष के देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आहास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है। योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है। एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में वे एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा, इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है। बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही
मतलब बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई, पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नू वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेटवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, योश ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि ये फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है, जो कोलाम्बेन्नू वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की संघर्ष का अनुसरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मृत्यु होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनी पूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बैंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषा विषता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बैंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बैंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बैंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव
अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देशबोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाप करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रे बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है। इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन जागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उस बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखती हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज को रूप में कोलाम्बेन्नू
वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमड़ा, राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल, प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पार्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पत्रिका का कहना है कि ये फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है, जो कुलाबेनु वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शेष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की फसलों का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोग की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है, दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनी पूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुरल डिस्पोटी DMG से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके पास आकर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नजर डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और वेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषादग्रस्तता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो संकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को आवश्यकता कर रहे अनाविज प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की वेंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा वेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट है। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देशबोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता की अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाले ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रे बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है। इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेबती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर समीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बिता विचारोत्तेजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उस बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में वे एक लाइव टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कि बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से छोड़कर बचावा हो सकता है या वास्तव में कमज़ोर और इतना मानवीय है। बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था।
काजोल कोलाम्बेन्नु सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नु वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पार्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाज सुंदरवा पर आधारित है, जो कोलाम्बेन्नु वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट बुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की हर्षवर्ष का अनुसरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर टूट पड़ियों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मुक्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आकर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और वेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की वेंकी नुकसान है। बेशक जिस सहनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा वेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सधाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने न सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देशबोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमयी शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के हैं जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाश राज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है। इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुजित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी वर्णास्वन इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और यह वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में वे एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखती हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्यों को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचतावा हो सकता है या वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है। बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। म्यूनिसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था।
काजोल कोलाम्बेन्नु सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नु वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पार्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है, जो कोलाम्बेन्नु वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शेष हिस्सों में बाद शेष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ वेंकी के संघर्ष का अनुसरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करे कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मृत होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और वेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविच प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस जनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर उनका तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा वेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सधाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाश राज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है या कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में वे एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सील कहानी की तरह नहीं लगता है जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था।
काजोल कोलाम्बेन्नु सूरज के रूप में, कोलाम्बेन्नु वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है, जो कोलाम्बेन्नु वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट घुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शेष हिस्सों में बाद शेष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा चंद्रंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी के संघर्ष का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करे कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोग की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है, दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन रेवती के निदर्शन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुरल डिस्पोटी DMG से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विशा व्यवस्था के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो संकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोश राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस शीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देशबोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता की अंतरात्मा के हैं जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाप करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाले ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव मरने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है। इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलाने देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुजित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और यह वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में वे एक लाइव टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहाँ वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सिल कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचतावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज को रूप में कोलाम्बेन्नू
वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, अहाना कुमड़ा, राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल, प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सुंदरवा पर आधारित है, जो कुलाबेनु वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट घुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शेष हिस्सों में बाद शेष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा चंद्रंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की संघर्ष करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करे कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मृत होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है, लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विशा विवशता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार अहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षुकता कर रहे अनाविज प्रमोश राज ने उनकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की वेंकी नुकसान है। बेशक जिस जनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा वेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सधाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजल देनी
दोनों ही अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के हैं जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से काशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेम बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुजित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी वर्णास्वन इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है या कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है। एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं पता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करती है साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखती हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सिल कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता ये देखने के लिए एक स्माइल होगा। इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज को रूप में कोलाम्बेन्नू
वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, अहाना कुमड़ा, राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल, प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाल सुरवा पर आधारित है, जो कुलाबेनु वेंकटेश और उनकी माँ के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिसोजी DMT नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की संघर्ष करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करे कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है, दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्पोटी DMG से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके पास आकार उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषयता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार अहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि वो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस दृढ़शीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडेलवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषणा इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही खरीदार तो शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आसास के साथ भी हिल सकता है। इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेबती द्वारा सुजित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथोर कमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बिता चारुतिजनक है एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पीड़ा उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक सील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से तोड़कर बतावा हो सकता है या वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है। बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नू सूरज के रूप में कोलाम्बेन्नू
वेंकटेश भिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमड़ा, राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव प्रसंदरवाल, प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, शारदा के रूप में रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनित पांडा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में, गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सिंड्रोम पर आधारित है, जो कुलाबेन्नु वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट बुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम वेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था, शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा किया। कहानी एक युवा चंद्रांश खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की संघर्ष का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें उपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सखा समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और हद पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर टूट परियोगों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम वेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से लुप्त होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ वेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंग को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और वेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषादता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब वेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को उत्सुकता कर रहे अनाविच प्रमोद राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की वेंकी नुकसान है। बेशक जिस जनशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा वेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल, नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली
है। विशाल और काजोल देहनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक माँ की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देशबोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी लफीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। इर्द के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला ये दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुजित सलाम बैंकी पटकथा लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने गांवों को दान करने की अपनी वर्णास्वन इच्छा को पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े है जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है या कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारजनक है। एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बचा पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करती है साथ पे एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिक कहानी की तरह नहीं लगता है जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है उसके बारे में वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे असंगत रूप से छोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। म्यूनिसिपल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नु सूरज को रूप में कोलाम्बेन्नु वेंकटेश बिंकी के रूप में विशाल जेठवा टीपी पत्रकार के रूप में आहाना कुमरा राहुल बोस वकील
परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में राजीव अंडरवाल, प्रकाश राज जज के रूप में आनंद महादेवन, गुरुजी के रूप में प्रियामणि, नंदा के रूप में लोक अभियोजन कमल सधाना, माला पार्वती, शारदा के रूप में रिधि कुमार, नंदिनी के रूप में अनिल पड्डा, पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में शारदा के रूप में रिधि कुमार, नंदिनी के रूप में अनीत पांडा, पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में गोस्ट ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लार्ज सरवा पर आधारित है, जो कोलाबेन्नू वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लास्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम मेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की फसलों का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने आंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर टूट पड़ियों की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बेंकी एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है, दर्दनाक रूप से मृत होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बेंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मुस्कुरल डिस्पोटी DMG से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और बेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषादग्रस्तता के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बेंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती हैं तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोश राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि उज हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बेंकी नुकसान है। बेशक जिस सुलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर उनका तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बेंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सधाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई है थी। सुजानाथ ने न सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव अंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट है। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमय शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है, जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी
फिताशाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बैंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नमक हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आभास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चुनरी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोड़ा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी मरणास्पद इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को बुलाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े है जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता इशारोत्तेजनक है, एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं, साथ में एक लाइव टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखती हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं, जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है, उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा, इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से छोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है, बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है। जिंदगी जीने देने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। फिल्म की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को रेवती और काजल को ने की है। फेस्टिवल फोटोग्राफी 11 फरवरी 2022 को शुरू हुई, पहला शेड्यूल मुंबई में हुआ। फिल्म को नाटकीय रूप से 9 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। काजल कोलाम्बेन्नु सूरज को रूप में, कोलाम्बेन्नु वेंकटेश बिंकी के रूप में, विशाल जेठवा टीवी पत्रकार के रूप में, आहाना कुमरा राहुल बोस वकील परवेज के रूप में, डॉक्टर शेखर के रूप में, राजीव खंडेलवाल प्रकाश राज जज के रूप में, आनंद महादेवन गुरुजी के रूप में, प्रियामणि नंदा के रूप में, लोक अभियोजन कमल सधाना माला पर्वती शारदा के रूप में, रिधि कुमार नंदिनी के रूप में, अनिल पड्डा पहली भूमिका रेवती जज के पत्नी के रूप में।
शारदा के रूप में रिद्धि कुमार, नंदिनी के रूप में अनीत पांडा, पहली भूमिका रेवती, जज के पत्नी के रूप में योस्ट, ओपिनियन में आमिर खान। पुत्री का कहना है कि यह फिल्म श्रीकांत मूर्ति की किताब द लाइफ सर्वा पर आधारित है, जो कुलाबेन्नु वेंकटेश और उनकी मां के सुजाता के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। उत्पादन फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जिसका निर्देशक अस्थायी रूप से द लस्ट हुराई था। घोषणा में मुख्य और निर्देशक की एक तस्वीर शामिल थी, हालांकि बाद में शूटिंग शुरू होने पर नाम बदलकर सलाम मेंकी पर कर दिया गया था। फिल्म के मुख्य मांग भागों को फरवरी अप्रैल 2022 में भारत में शुरू किया गया था। शीर्ष हिस्सों में बाद शीर्ष में शूट किया गया, जिसमें आमिर खान का कैमियो शामिल थे। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2022 को पूरा गया। कहानी एक युवा शतरंज खिलाड़ी की सच्ची कहानी के आधार पर फिल्म सीन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पिंकी की हर्षवर्ष का अनुकरण करती है और इच्छा मृत्यु के लिए एक कानूनी लड़ाई के लिए प्रतिक्रियाशील पेशी अंध पतन के पहले अपने अंगों को दान करने के लिए उन्हें अनुपयोगी बना देती है। उनकी मां सुजाता एक डॉक्टर, एक वकील और एक पत्रकार सम्मान के साथ मरने के उसके अधिकार के लिए उनके चारों ओर रैली करती है। सबका समीक्षा करें कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से इच्छा मृत्यु पर विमर्श एक रश्मि पर चलते जैसा एक और पीड़ित की गरिमा और दर्द पर विचार किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर वैध होने पर दुरुपयोग की समाधान और सही या गलत का सवाल। सलाम बैंक की एक संवेदनशील कहानी है और इस बारे में बातचीत है कि क्या दया हत्या को कानूनी रूप से वैध किया जा चाहिए, क्योंकि लोगों को गरिमा के साथ मारने का अधिकार है और दर्दनाक रूप से मृत होने के संकट से मुक्त होने का अधिकार है। लेकिन रेवती के निर्देशन उद्यम में एक और परत निर्णायक फैसले पर पहुंचता अधिक चेतावनीपूर्ण होता है। वेंकटेश उर्फ बैंकी विशाल जेठवा अपने शुरुआती 10-20 दशक में है और जीवन से भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्लभ विकार डेक्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से पीड़ित है, जो तेजी से बिगाड़ता है। युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपने अंगे को दान करने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का फैसला किया। उनकी मां सुजाता काजोल पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद आखिर उसकी कानूनी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इच्छा मृत्यु का पक्ष या विरोधी क्यों किया जाता चाहिए, इस पर फिल्म एक संतुलित नज़र डालती है। लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और पेंकी के साथ रहने वाला साक्षात्कार रेविया है। वो अपनी स्थिति के बारे में चुटकुले सुनाते हैं, अपनी माँ और बहन की विषा व्यवस्था के लिए कई नाजुक रिश्तों से, जैसे कि जब बैंकी अपनी आवाज़ खो देते हैं तो सांकेतिक भाषा में संवाद करता है, और जब पत्रकार आहाना कुमारा विस्मय के उसे देखती है तो उसकी माँ उसके संदेश का अनुवाद करते हैं। जब मामले को अक्षता कर रहे अनाविज प्रमोश राज ने अमरीकी अस्पताल में मुलाकात की तो सुजाता ने उन्हें बताया कि उज हो सकता है कि वो उसे ना देखे, लेकिन चेहरे की मांसपेशियों की पूरी गीतों के नुकसान के पीछे की बैंकी नुकसान है। बेशक जिसशीलता के साथ रेवती ने कहानी की संबंधता से प्रशंसनीय है, लेकिन सरकारी वकील प्रीमियर का तर्क भी उतना ही समक्षक है। मुख्य कथानक के अलावा बैंकी को पिछली कहानी से पिता कमल सुदाना द्वारा एक मृत निवेश के रूप में छोड़ दी गई थी। सुजाना ने सभी बाधाओं के खिलाफ उसका पालन पोषण किया और उसके लिए उसके डॉक्टर राजीव खंडरवाल ने मिलने से वाला प्यार और देखभाल नर्स बहन और प्रेमिका के दिल दहला देने वाली है। विशाल और काजोल देनी दोनों ही अपने भूमिकाओं में उत्कृष्ट है। काजोल का दुख और अपने बेटे को अंगदान के माध्यम से जीवित रहने की आशा का नियंत्रित चित्रण और दूसरी ओर एक मां की अपने बेटे के जाने के देने की सुविधा उनका दिल जीत लेंगे। राहुल देश बोस जो उनके वकील परवेज आलम की भूमिका निभाते हैं एक शक्तिशाली प्रदर्शन देते हैं। आमिर खान एक रहस्यमयी शख्सियत जो सुजाता के अंतरात्मा के है, जो देखते हैं अंतरदायक है। कहानी फीता शाही को भूमि भी छूती है और कैसे सरकार द्वारा गठित संगीत जानबूझकर अपनी रिपोर्ट देने में देरी करती है, जानते हुए कि बैंकी के पास जाने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। फिल्म
फैसले पर फैसला नहीं सुनती है और बेंकी से प्रकाशराज की बातचीत से फाफ करती है कि कानून को चंद दिनों में बदलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी दलील से एक अहम बातचीत शुरू हो गई है। आखिरी सीन इतना शार्मिक है कि आपको आंखों में नम हो जाएगी। ईद के साथ साथ साक्षात्कार से भरपूर दिल को छू लेने वाला यह दृश्य अध्यक्ष को देखा जाना चाहिए। सलाम बैंकी मूवी रिव्यू स्क्रिप्ट विश्लेषण इच्छा मृत्यु रेव बनने की इच्छा एक ऐसा विषय है जो फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे पेचीदा खदान है, जो दुख के बारे में एक संतुलित कहानी बताने का साहस करते हैं। विषय ये है कि कई पहले से ही अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे थे और इनमें ही गरीदार को शांति की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पहले ही से अपोर दुख और दर्द है जो आहास के साथ भी हिल सकता है, इसीलिए एक फिल्म निर्माताओं के लिए यह काम दर्शकों को रुलान देने वाली व्यक्ति उन्हें लाइनों के बीच बड़ी चंडी समझने के लिए सांत्वना देता है। संजय लीला भंसाली की गुजारिश की तरह एक तरह की पलायनवादी फिल्म की जो इस विषय से जुड़ी थी, लेकिन उजागर करने के लिए प्रेम कहानी को चुना और थोड़ा लड़खड़ाई। निर्देशक रेवती द्वारा सुसज्जित सलाम बैंकी पटकथा, लेखक समीर अखरोखा अरोरा और कथुर खमीर द्वारा अतिरिक्त पटकथा और संवाद के साथ एक लड़के के दर्द भरी सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को अपने अंगों को दान करने की अपनी वर्णास्वन इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो था किसी भी दिन मरने वाला है। जबकि फिल्म को लाने के लिए आकाश और संतुलित किया गया और ये वास्तविक जीवन की कहानी होने पर भी पलायनवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत व्यापक स्ट्रोक से में लिखा गया ये दुनिया भरे भूरे रंग के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है और सब कुछ काले या सफ़ेद रंग में लिखने है योग या तो बैंकी के प्रति बहुत अच्छे और सहानुभूति रखते हैं या उसके पिता की तरह एक मुक्त बूढ़े हैं जो एक बिंदु पर उसे मृत निवेश करते हैं। सलाम बैंकी के कागज पर योग्यता कहीं भी स्पष्ट रूप से खेद सकता है। यह कहानी कितनी गंभीर और बीता विचारोत्तेजनक है, एक लड़की की जीवन से भरपूर है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। एक माँ और उसके पिता उसे बेटे की नहीं बता पाने के बारे में जिसके लिए वो दुनिया से लड़ी थी। एक अंधी लड़की जो बैंकी से प्यार करते हैं, साथ में एक लाइफ टावर पर चढ़ने और दुनिया को देखने के सपना देखते हैं। वे दो हिस्से में है जो एक इंसान को बताते हैं कि जब आप इसे पढ़ने हैं तो ये सब कितना गतिशील लगता है। दृश्य अनुवाद भी अच्छा है लेकिन इसे निशान तक नहीं, जहां वो वास्तविक दुनिया में रहता है और आपको मानवीय रूप से आगे बढ़ाता है और एक काल्पनिकशील कहानी की तरह नहीं लगता है। जैसे कि आमिर खान का एक कैमियो है, उसके बारे में भी बहुत कुछ वास्तव में लिखा नहीं जा सकता। ये देखने के लिए एक स्माइल होगा, इसलिए जब आप चीज़ों को बड़ी योजना के उनके उद्देश्य को देख रहे होते हैं तो आपको ये भी जानने के लिए साथ लड़ाई के बाद पता चलता है कि ये आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है और इसे संगत रूप से छोड़कर बचावा हो सकता है। यह वास्तव में कमजोर और इतना मानवीय है, बाकी एक बड़ी कथा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी बीमारी के एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से लड़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा में काम करता है।